उनकी बहन अपने ससुराल लौट गई। खाना बनाने की बारी अब मेरी थी। बाजार में चीजें मिलना दिन ब दिन कम होते जा रहा था। चार लोगों के लिए सिर्फ चार छोटी मछली, अब उसमें और दूसरी चीजें मिलाकर बनाना पड़ेगा। उसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा सोयाबीन बल्ब के लिए। ओह अच्छा, बैंगनी पत्ते, हरे पत्ते, हॉस्टल, डैंडलियन, खमीरी, सूखी मछली, सोयाबीन बल्ब, आलू, शक्करकंद, आटा, बेर के बीज। पहले शक्करकंद को काटो, फिर हरी सब्जियों को पानी में उबालो। अब उसे आटे में मिलाकर अच्छे से गूंद लो और खाना तैयार। घी को नहीं है तो घर में कितनी शांति है। जो बच जाता है उसे सुखा लो। आगे बढ़ते हैं। चावल में 5 गुना पानी मिलाकर दलिया बना लो। इसमें आलू के टुकड़े डालकर 10 मिनट तक पकाओ। अब इसमें हरी सब्जी डाल दो। मूली और डैंडलियन की जड़ को काट दो। शक्कर और सोयाबीन सॉस के साथ फ्राई करो। अब इसमें डैंडलियन के पत्ते और सोयाबीन पल्प डाल दो। थोड़ा और फ्राई करो। इसे बचे हुए मूली से भर दो। थोड़ी हरी पत्ती और नमक भी डाल दो। अब मिसो के बर्तन में पानी डाल दो। बेर के बीज डालकर उबाल लो। अब इसमें मछली डाल दो सूप बनाने के लिए और ढकना मत। आखिर में थोड़ा नमक डाल दो। वाह, आज का खाना तो बहुत मजेदार बना है।